हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी, श्री राधे राधे। क्योंकि बहुत ख़ास दिन है, आप लोग को बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ने भी माता रानी के नवरात्रे रखे हैं, कान्हा जी को सेवा करते हैं और सच्चे मन से सेवा करते हैं, उनके और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, पूरी ईमानदारी से, पूरे विश्वास से उनके ऊपर कोई चीज़ सौंपते हैं, तो आपकी प्रार्थना ज़रूर कबूल होगी। आपका विश्वास जो है वो हमेशा बनाए रखते हैं और हर मुश्किल में आपका साथ देते हैं। उसका जीता जाता सबूत मैं आज आपको देने वाली हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि वो हर मुश्किल हमारी हल कर देते हैं, मुझे मालूम भी नहीं पड़ता। बहुत से केस ऐसे हुए हैं, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, पर मैं आज वीडियो के माध्यम से आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि इस बार जो मैंने नवरात्रि रखे थे, हालांकि मैं मेरे बीच में नवरात्रि ख़राब भी हो गई थी, पर मैंने अपनी नवरात्रि छोड़े नहीं। मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया कि माता रानी जो भी होगा सब आपके हाथ में है, मेरी नवरात्रि मैंने व्रत रखे हैं आपके नाम के, सच्चे मन से, सच्चे विश्वास से सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने। आप उसको संपूर्ण करें या ना करें वो आपके आपका जिम्मा, पर मैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से, पूरी ईमानदारी से आपके नाम के व्रत रख रही हूँ, नवरात्रि रख रही हूँ, और उसका फल मुझे नहीं मिले, मेरे नवरात्रों का फल मेरे बेटे को लगना चाहिए, जिसके नाम के मैं व्रत रख रही हूँ, उसके हर मुश्किल डालना। जैसे कि थोड़ा दिन पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे बेटे की बाइक खराब हो गई थी, उसकी बाइक चोरी हो गई थी, जो भी हमने ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, लगभग 1.5 साल पहले हुआ था, और हमारी फाइनेंशियल हालत भी इतनी अच्छी नहीं है कि हम एकदम से कुछ नई गाड़ी ले पाए, तो इस वजह से बहुत मुश्किल हो गई थी। तो बच्चे भी जवान हैं, सबको अपनी अपनी चाहिए। छोटे बेटे की भी बाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सोच रहे थे कि इस दिवाली में इश्तों में उसके लिए हम बाइक ले लेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा एडजस्ट, पर चांस की बात ऐसा हुई कि अभी 1.5 साल पहले जो हमने बाइक ली थी बड़े बेटे के लिए, वो बाइक हमारी अचानक से चोरी हो गई, मालूम नहीं पड़ रहा था कि कैसे गई, बेटे को भी नहीं पता लगा। वो बोला मम्मी मैंने बाहर खड़ी करी, हम सब इधर उधर ढूंढने लगे तो नहीं मिली, तो वो भी उठ के बोला मम्मी बाइक तो मैंने यही खड़ी करी थी, तो मालूम हुआ कि चोरी हो गई थी, तो FIR हमने करवाई थी, जो 2 बार करने के बाद, पहले तो कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर बाद में हमने FIR कराई थी। और माता रानी का चमत्कार देखो, उसके ऊपर विश्वास का फल ऐसा मिला कि मैंने बोला था कि माता रानी सच्चे मन से आपके आपको प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो नवरात्रि का फल है वो मुझे नहीं चाहिए, मेरे अपने लिए नहीं चाहिए, मेरे बेटे को फल मिलना चाहिए उसका। और वो माता रानी ने कबूल करी मेरी प्रार्थना, और कल ही हमको शाम को पता लगा, वहाँ से फ़ोन आया कि आपका केस फाइल हो गया है, आपको कोर्ट में आके साइन करना पड़ेगा। साइन उन्होंने करवाए और थोड़ी देर में फिर कॉल आता है कि आपकी एक बाइक मिली है, नंबर प्लेट आपकी है, तो आप एक बार कन्फर्म कर लो। तो दूर होने की वजह से, ज़्यादा दूर थी डिस्टेंस, तो उस समय जाना हो नहीं पाया था पॉसिबल, तो उन्होंने बोला कि कल शाम को, कल सुबह में हम आपको फ़ोटो भेजेंगे, तो आप कंफर्म कर लेना। पर सही बात है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो बाइक हमारी ही निकली। बेटे ने बताया मम्मी बाइक मिल गई है हमको, अपनी ही बाइक है। तो सबसे पहले जाके मैंने मेरी माता रानी के आगे हाथ जोड़े, मेरे कान्हा जी के आगे प्रार्थना करी, हाथ जोड़े, उनको शुक्राना बख्शा मैंने कि हे माता रानी, हे मेरे कान्हा, हे मेरे श्री राधे, आप लोग, आपने इतनी कृपा बख्शी है कि आने वाली हर मुश्किल में आपने मेरा साथ दिया है। ये हम बहुत घबरा रहे थे कि बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि हाथ में अभी, जब आप लोग समझ सकते हैं, जब किसी के हाथ इतना नहीं होता है कि वो एकदम से कोई नई चीज़ ले ले, कैसे कैसे पैसे जोड़ के इंसान चीज़ लेता है और एकदम से खो जाए, इतना बड़ा नुकसान हो जाए और इंसान दूसरी ना ले पाए अभी, तो कितनी बड़ी मुश्किल होती है, आप समझ सकते हैं। जवान बेटे हैं 21-22 साल के, तो एकदम से नहीं ले पाए, आने जाने के लिए हर समय सबका मुंह देखना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो आज जैसे ही उन्होंने
बताया कि बाइक हमारी है, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और सच से ही कहती हूँ, सबसे पहले एक ही बात निकली, हे माता रानी, हे कृष्ण कन्हैया, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है आपके आगे, क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना कबूल करी, मेरे नवरात्रे सफल करे। सच्चे मन से मैं प्रार्थना करती हूँ और आप लोग को भी बोलती हूँ। कई लोग बोलते हैं ना कि कहाँ है भगवान, कहाँ दिखाई देते हैं, बस यहीं दिखते हैं भगवान। जब हमारी मुश्किल, हर मुश्किल में वो साथ देते हैं ना, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो उसको वो कम में टाल देते हैं ना। कोई बहुत बड़ी मुश्किल होगी शायद, जब उन्होंने टाल दी हमारे आगे आके, बाइक चली गई, फिर अचानक से मिल गई, बस उसका लाख लाख शुक्राना करती हूँ मैं, बस यही बोलती हूँ। वैसे तो मैंने माता रानी को चीनी का प्रसाद खिलाया है अभी उनका, पर वो ऐसा नहीं बोलते कि मेरे आगे बहुत शाही पकवान बना के खिलाओ। आप थोड़ा सा भी भाव से एक चीनी का दाना भी रख देंगे, वो भी वो कबूल करते हैं। बस शर्त ये है, आपकी प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। बस सब अपने उनके ऊपर छोड़ दो तो आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होगी। मैं बहुत खुश हूँ ये सोच के कि माता रानी ने मेरी सुन ली, मेरे कान्हा ने, मेरी राधा रानी ने मेरी बात सुनी। और अभी दो ही दिन हुए नवरात्रि पूरे हुए, बहुत अच्छे से मैंने अष्टमी पूजन करा, अपनी माता रानी का कंज के बिठाई। अपनी सोसाइटी में भी, हमारे यहाँ गरबा चलता है, वहाँ भी सबको मैंने अष्टमी का प्रसाद अपने हाथ से बना के खिलाया। और माता रानी ने मेरे नवरात्रे सफल किए। और जो मैंने बोला था कि माता रानी, ये मैं नवरात्रे अपने नाम के लिए नहीं रख रही, अपने लिए नहीं रख रही, इसका फल मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, उसके ऊपर आने वाली हर मुश्किल कट जाए, जो भी उसके ऊपर मुश्किल है वो दूर हो, इसका फल मेरे बच्चे को देना। और अभी आज दूसरा दिन है, कल ही शाम को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि एक बाइक मिली है, आप आके कोर्ट में आपका केस चला गया, आप साइन कर दो आके। तो गए, थोड़ी देर में फिर कॉल आता है कि एक बाइक मिली है और नंबर प्लेट आपके उसकी लगी हुई है, तो आप आके एक बार चेक कर लो, पर बहुत दूर है तो जाना पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने बताया कि हम सुबह आपको उसके फ़ोटो भेजेंगे, तो आप कंफर्म कर लेना। और सुबह का वेट कर रहा था मेरा बच्चा, रात को उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया, बोला मम्मी मेरी बाइक मिल के खबर आई है, तो शायद हो सकता है, नंबर तो अपना ही है, शायद बाइक मिल गई हमारी। उस खुशी के मारे, कुछ टेंशन के मारे, उसको भूख भी नहीं लगी, खाना भी उसने ढंग से नहीं खाया कल, और सुबह का वेट कर रहा था। और सुबह जैसे ही फ़ोटो आई तो उसने सबको फटाफट बताया, बाहर चला गया था, कि मम्मी बाइक अपनी है, बाइक मिल गई। और सबसे पहले मैंने माता रानी के आगे, मेरे कान्हा जी के आगे शुक्राना किया और चीनी का भोग लगाया, क्योंकि अभी मेरे पास एकदम से कुछ और नहीं था, और मेरी तबीयत भी आज अच्छी नहीं थी कि मैं अपने हाथ से बना के उनको भोग लगा पाऊँ। तो बस आप लोग को यही बताना चाह रही थी कि आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, ये आंसू मेरे खुशी के हैं, उनके आगे शुक्राने के हैं जो उन्होंने मेरी प्रार्थना कबूल करी। आप लोग में से भी अगर किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना करी है तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाती हूँ, आपकी प्रार्थना वो जरूर कबूल करेंगे, ये उनमें है। कई लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं करते कि माता रानी दिखती नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कहना है भगवान कहाँ दिखते हैं, पर भगवान यहाँ दिखते हैं। जब आप सच्चे मन से, विश्वास से उनके ऊपर सब छोड़ देते हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी प्रार्थना जरूर कबूल होती है, यहीं आके भगवान दिखते हैं। तो चलो, आप लोग से भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। आज मैंने सुबह एक शॉट डाली थी कि आज मेरे YouTube में 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, उसकी भी खुशी है। और सबसे ज़्यादा शुक्राना, सबसे ज़्यादा खुशी कि मेरे बच्चे की बाइक मिल गई। मैं माता रानी का शुक्र अदा करती हूँ ढेरों ढेरों बारंबार, जितना करूँ उतना कम है। चलो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। तो आप लोग से भी बोलूँगी कि आप प्रार्थना करके देखिए, सच्चे मन से विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देते हैं। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।